क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार बजट पेश होने के बाद संजय जायसवाल ने की प्रेस वार्ता, कहा बजट में नौकरी शब्द गायब। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विस्तार से बताया बजट का पूरा स्वरूप, कहा सभी वादों को किया गया पूरा। जेडीयू कार्यालय में की गई बैठक, जिलाध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी रही बैठक की मुख्य अतिथि। औरंगाबाद में आंगनबाड़ी कर्मियों ने जमकर किया प्रदर्शन, वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर शहर में निकाला जुलूस। सहरसा के दुर्गा मंदिर में हुई चोरी, मां दुर्गा के गहने लेकर चोर हुए फरार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने बिहार की व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है बिहार की तरक्की को रोकने की कोशिश की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में नौकरी शब्द गायब है, बजट में दी गई कुल नौकरियां 1 लाख भी नहीं है, बजट में सिर्फ झूठ रचा जा रहा है। आप 31 मार्च तक खर्च कर लेंगे, इसका भी माननीय वित्त मंत्री को विधानसभा में और जनता के सामने साफ साफ रखना चाहिए। यह पूरा बजट में अगर किसी को उन्होंने खुद शाबाशी दिया है, तो पहली बार हमने एक मत्स्यजीवियों के लिए अलग से मंत्रालय बनाया, उसके लिए अलग से हमने 40,000 करोड़ की व्यवस्था की, उसका आप उसी केंद्र के पैसे का उपयोग कर रहे हैं। जीविका दीदियों के लिए जो पैसे आते हैं वह सारे केंद्र की राशि होती है, केंद्र ने कि अपनी योजना से इस साल 1 लाख करोड़ दिया है, तो वो आप केंद्र के पैसे को जीविका बहनों में बांट रहे हैं। पूरे बिहार सरकार का अगर बजट हम देखें, बिहार विधानसभा में बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट का पूरा स्वरूप बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के बावजूद हमारे राज्य का रेवेन्यू ठीक रहा। वहीं रोजगार को लेकर उन्होंने कहा, हम लोगों ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था और उसे पूरा भी किया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे सीएम ने जिस तरीके से यात्रा के दौरान जीविका दीदी का हौसला अफजाई किया है, वह प्रशंसा के योग्य है। वित्त मंत्री रहे, उन्होंने जब केंद्रीय बजट पेश किया गया, तो अगले दिन बयान हम पढ़े कि केंद्र बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया देगा विकास के लिए। हमको तो भाई बड़ा अचरज हुआ कि कहीं पार्टी या राजनीतिक भक्ति में लोग ऐसा मतलब मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो कहते हैं, भ्रामक बयान तो नहीं देता है। वो 1 लाख करोड़ जरूर मिलना है, उसका प्रावधान है। वो 90,000 करोड़ इस बार भी मिला है, लेकिन वो कोई खैरात, कोई दान, कोई सहायता या कोई मदद नहीं है। वो हमारा हक है। हम भी यहाँ से GST जो SGST CGST कलेक्ट करते हैं,
बाढ़ के जदयू कार्यालय में महिला दिवस और नीम चौपाल की सफलता के लिए बैठक की गई। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी, महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर शोभा सिंह के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पटना में महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मैं अशोक चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष जदयू संगठन जिला बाढ़। आज कार्यक्रम किया गया था, इसका उद्देश्य और क्या है? आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य 5 मार्च को महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर पटना के कर्पूरी सभागार में महिला दिवस का आयोजन किया गया। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू और प्रदेश अध्यक्ष, सभी हमारे पार्टी के सम्मानित नेता मौजूद रहेंगे। और भीम चौपाल कार्यक्रम, हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो जयंती है, जन्मदिन है 14 अप्रैल, उसके सुअवसर पर भीम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन पार्टी पूरे पंचायत स्तर पर करने का निर्णय लिया है। और उसके लिए 8 तारीख के हम लोग तैयारी बैठक भी करेंगे। तो 8 तारीख की तैयारी बैठक और भीम चौपाल कार्यक्रम किस तरह से पूरे बाढ़ संगठन जिला में बढ़िया से संपादित हो, इसके लिए हम लोग आज बैठक करके राय विचार किए। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी, प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड, स पटना प्रमंडल प्रभारी भीम चौपाल। जेडीयू कार्यालय में आज जो बैठक की गई थी बारे में, इसका उद्देश्य क्या है सर? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन होली के कारण हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्णय हुआ है कि 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में कर्पूरी सभागार में मनाना है। इस कार्यक्रम में हम लोग जो भी बिहार के जनप्रतिनिधि हैं, इस पर जो जीत कर आए हैं, उनको मान सम्मान देने का कार्य करेंगे पटना में। और इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिरकत करेंगे, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जितने भी सीनियर नेता हैं हमारे पार्टी के सब रहेंगे। और महिलाओं का मान सम्मान और उनको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो आरक्षण ख़त्म कर रही है। महिलाओं का भी जो आरक्षण था, जो बिहार में 50% के आसपास दिया जा रहा है, उसको भी ख़त्म करने का कार्य बीजेपी कर रही है। खबर औरंगाबाद से है, जहां गांव की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और शहर में जुलूस निकाला। बता दें, प्रदर्शन उनकी वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर किया गया है। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। बता दें कि प्रदर्शन के बाद उनके प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन के अधिकारियों ने वार्ता की और उनकी मांगों को सरकार तक भेजने का आश्वासन दिया है। बाढ़ अनुमंडल के बाजार के सलेमपुर में अपनी जीविका चला रही दर्जनों नर्तकियों के रोजी रोटी पर लोगों ने तालाबंदी कर दिया है। जहां ये नर्तकी अपना काम करती रही, उन घरों में ताला जड़ा हुआ है। कई नर्तकियों ने बताया कि यदि उनका ताला नहीं खुला तो जीविका की समस्या के साथ साथ बच्चों के लालन पालन पर भी असर पड़ेगा। साथ ही शादियों में नाच के लिए गए पैसे भी वापस देने होंगे। दरअसल इस मोहल्ले के लोगों को इनकी काफ़ी समस्या होती आ रही है। मोहल्ले के लोगों ने वेश्यावृत्ति करने का आरोप लगाया है। पिछले 4 दिनों से चल रहा पूरा मामला बाढ़ थाना पहुंचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। वार्ड नंबर 21 का मामला है। विवाद जो पक्षों को लेकर है, कुछ महिलाएं जो नर्तकी के नाम पे किराए पे वहाँ पे रहती हैं, उन लोगों के लेकर वहाँ के लोकल जो लोग पहले से रह रहे हैं उन लोगों के बीच कुछ विवाद का मामला सामने आया है। जांच पड़ताल की गई है, क्योंकि ये मामला सिविल SDO बाढ़ से संबंधित है। तो इन लोगों को बोला गया है कि समस्या के निराकरण के लिए वो बाढ़ SDO साहब के पास से जाए और वहाँ से समाधान निकाले। बाकी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के स्तर से
दोनों पक्षों पर 160 की कार्रवाई की गई है। जैसा निर्देश प्राप्त होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर मसौढ़ी से है, जहां रंजीत हत्याकांड का अपर पुलिस अधीक्षक शुभम आर ने उद्भेदन कर लिया है। बता दें कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने का गठन किया गया, जिसके सहयोग से हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि रंजीत कुमार की हत्या कर उसके शव को भगवानगंज थाने में फेंक दिया गया था, जिसे सड़ी गली अवस्था में पुलिस ने बरामद किया था। जिसकी जब पुष्टि हुई तो आसपास के ग्रामीणों ने इसकी जब जांच के बाद में नाम आया सामने, तो ये पता लगा कि चिड़ैया हाट गांव के ही विनय ठाकुर जो व्यक्ति है, उनके दामाद रंजन ठाकुर की ये लाश की पुष्टि हुई। ये जनवरी माह के दिनांक 12 तारीख से लापता थे। 12 तारीख को ये यहाँ पर अपने ससुराल में आए थे और इन्हें शाम में ट्रेन पकड़नी थी पटना जाने के लिए, जहाँ के ये निवासी हैं, लेकिन इन्होंने ट्रेन नहीं पकड़ी और तभी से ये लापता थे। इस संबंध में पुलिस छानबीन पहले से ही कर रही थी। इनकी लाश 22 तारीख को चिड़ैया हट जो इनका जो ससुराल है उससे लगभग 150 मीटर दूर। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। सहरसा में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने दुर्गा मंदिर को निशाना बनाया है और लाखों के गहने लेकर फरार हो गए हैं। बता दें कि चोर मंदिर के गेट का ताला तोड़कर अंदर गया और दुर्गा माँ का चांदी का मुकुट, कान का जेवर और दान पेटी में रखा नगद रुपए चुरा कर फरार हो गया। वहीं पुलिस सूचना मिलते ही मामले की छानबीन में जुट गई है। सुपौल के सभागार परिसर में जिला पदाधिकारी के द्वारा 44 दिव्यांग लोगों को निशुल्क ट्राई साइकिल बांटी गई और साइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने आपदा प्रबंधक के तहत मृतक परिवार के कुल 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की। बता दें कि दिव्यांगों को निःशुल्क ट्राई साइकिल बांटी गई है, जिसे पाकर उनमें हर्ष और उल्लास देखने को मिला। आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को करीब 64 आश्रितों को हम लोग 2,56,00,000 रुपया अनुग्रह दान वितरण किए हैं। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह योजना के एक लाभुक को 1 लाख का एफडी किया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री विकलांग दिव्यांग विवाह योजना का लाभुक को भी आज 1 लाख का एफडी किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत 44 लाभुकों को बैटरी चालित ट्राइलेक्सर का वितरण किया गया है। सभी लाभुक को अपना साइकिल पाकर काफ़ी प्रसन्न थे और जिला प्रशासन और राज्य सरकार सभी लाभुकों को सभी सरकार की सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संकल्पित है
इस संकल्प तक हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन होता रहेगा। खबर मसौढ़ी से है, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा अमीरों पर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी पर राजनीति दलों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए बयान की कड़ी शब्दों में निंदा किया है, साथ ही कहा है कि इस तरह के बयान से समाज में गलत संदेश जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और जीतन राम मांझी जी जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारे बिहार के राज्य को चलाए हैं, जितना दिन भी चलाएं, अगर हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अगर ऐसा बयान देते हैं जो घोर निंदनीय है, और मैं ऐसे लोगों का खिलाफ करता हूँ जो हमारे समाज में महिलाओं के प्रति इस तरीका का बात बोलते हैं, इस तरीका की भावना रखते हैं, मैं घोर निंदा करता हूं कि ये जो बात है ये बहुत ही मैंने मानसिक रूप से इसको मैं क्या बताऊं कि कितना निंदनीय बात है। मैं घटना के हम तीखी निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि एक ओहदेदार पद पर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक सम्मानित नेता, एक मंजे खिलाड़ी रहे हैं राजनीति के, इस शब्द का प्रयोग तो उनको करना ही नहीं चाहिए, लेकिन शायद लगता है कि इस उम्र में उनका दिवालिया हो गया है दिमागी। अब दिमागी दिवालिया कह सकते हैं जो अभी इस उम्र में इस तरह के जो बयानबाजी, पोस्टकार्ड और क्या क्या, ये तो सब कोई जानता है, विज्ञान ही कहता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है क्या है, और इस सब बयान से बचना चाहिए, लेकिन शायद उनको जो है क्या दिमाग में आया इस बात के लिए। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के बयानबाजी और लोग भी कोई नहीं कर पाए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का आ रहा है और वो खास करके जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। उनका कहना था कि जनसंख्या लोगों की सोच है कि गरीब गुरबों में दलितों में जनसंख्या अधिक वृद्धि होती है। इसका रीजन उन्होंने बताए कि भाई पति पत्नी एक साथ रहते हैं इसलिए इनकी जनसंख्या अधिक होती है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि बड़े लोग, अच्छे लोग जो हैं उनको बाहर में रहते हैं और उनकी जनसंख्या एक पोस्टकार्ड के द्वारा होता है। तो इस पर मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था कि सत्य बात है कि हमारे जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग जो हैं अपनी पत्नी से दूर रहते हैं और महीना दिन पर दो महीना के बीच में आते हैं और एक दिन मैंने संपर्क होता है। वो पोस्टकार्ड का मतलब ये नहीं लोग लगाएं कि उन्होंने कहा कि दूसरे के पास जाके संतान को पैदा करते हैं। वही तो हम सहमत हैं, उनका कहने का मतलब जो है चिट्ठी का कहने मतलब दूरी है। जो एक गरीब आदमी एक जगह इकट्ठा रहता है, अमीर आदमी क्योंकि किसी का दिल्ली में मकान है, किसी बम्बई में मकान है, पत्नी दिल्ली रहते हैं, मर्द जो है बम्बई रहते हैं, आने में एक महीना दो महीना पाते हैं, चिट्ठी कहने मतलब उनका वही था। लेकिन जो विपक्ष लोग हैं वो उल्टा सोच कर जो है उनको हवा में उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।